हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर जेनेटिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे जेनेटिक्स होता क्या है। इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट हेरिडिटी इन ट्रेट्स एंड वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज जेनेटिक्स। यानी कि ये एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं, ट्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं और उन ऑर्गेनिजम्स के वेरिएशंस के बारे में पढ़ते हैं। अब ये तीनों चीजें क्या होती हैं, ये हेरिडिटी क्या होती है, ट्रेट्स क्या होती है, वेरिएशन क्या होते हैं, ये हम आगे वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। ठीक है, इट इज अ टर्म डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड जीन। तो यानी कि ये जो जेनेटिक्स जो वर्ड है, ये जेनेटिक्स जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड से निकाला गया है। वो कौन सा ग्रीक वर्ड है? जीन। जीन क्या होता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। यानी कि जितनी भी टर्म्स इधर आई हैं हम ये सारी इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जेनेटिक्स क्या होता है, उसकी क्या की टर्म्स होती हैं, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेरिडिटी एंड ट्रेट्स। ठीक है, अब ये क्या होती है हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होती है? सबसे पहले हेरिडिटी और हेरिडिटरी इज द प्रोसेस बाय विच द फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। दिस टर्म वॉज कॉइंड बाय स्पेंसर। अब हेरिडिटी क्या होती है? जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कोई फीचर्स जाते हैं, जैसे कि ये फादर है, ये मदर है, अब इन दोनों का सन है, ये डैड मॉम और इनका सन है, तो इनके जो फीचर्स हैं वो इस लड़के में यानी कि इनके बेटे में जाएंगे, तो ये क्या होती है हेरिडिटी। अब जैसे इसकी फादर की आईज सन की आईज जैसी है, या फादर के ईयर्स जो है वो सन के ईयर्स जैसे हैं, मदर के हेयर सन के हेयर मतलब सेम है, मदर और सन की हाइट सेम है, यानी कि ये क्या है हेरिडिटी। यानी कि जो पेरेंट्स में जो क्वालिटीज थी वो उनके आगे की जनरेशन में भी पास ऑन होंगी, जैसे कि आईज ईयर्स या फिर कोई वॉइस भी हो सकती है, वे ऑफ स्पीकिंग भी हो सकती है, कोई आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी हो सकती है आपकी कोई, या फिर आपकी कोई क्वालिटी भी हो सकती है, कोई भी क्वालिटी हो सकती है। तो ये एक फीचर होता है किसी ऑर्गेनिज्म का जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता है। अब इस टर्म को किसने बनाया था, यानी कि हेरिडिटी वर्ड किसने बनाया था? स्पेंसर ने। स्पेंसर एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, ट्रेट्स आर यूनिक क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन। यानी कि एक पर्सन की क्वालिटी होती है ट्रेट्स। ठीक है, अब हमने बात की थी हेरिडिटी की। हेरिडिटी क्या होती है? वो जो हमारे क्वालिटीज होती हैं जो पास ऑन होती हैं, इस प्रोसेस को हेरिडिटी बोला हमने। अब वो जो क्वालिटीज होती है उनको हम ट्रेट्स बोलते हैं। जैसे कि कोई स्विमिंग में अच्छा है, अगर उसकी पास ऑन होगी, ऐसे पास ऑन तो नहीं होती, स्विमिंग की पास ऑन नहीं होगी, यानी कि कुछ क्वालिटीज ऐसी होती हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में होती है, क्योंकि स्विमिंग है, वॉकिंग है, रनिंग है, ये सब हम बर्थ के बाद ही सीखते हैं, तो सारे ही क्वालिटीज पास ऑन नहीं होती है, कुछ ही क्वालिटीज पास ऑन होती हैं, जैसे कि फीचर्स पास ऑन होते हैं, हैबिट्स पास ऑन होती हैं, तो उन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं ट्रेट्स। यानी कि जो हमारी क्वालिटी होती है या हमारी कैरेक्टरिस्टिक होती है जो, उनको हम ट्रेट्स बोलते हैं। यानी कि जो पास ऑन होते हैं हेरिडिटी की प्रोसेस से, उसको हम ट्रेट्स कहते हैं। ठीक है, अब अलग अलग तरह के ट्रेट्स होते हैं, जैसे कि कोई ड्राइंग में अच्छा होता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, किसी की थिंकिंग स्किल्स अच्छी होती है, कोई एथलेटिक्स में अच्छा होता है, कोई बिजनेस में अच्छा होता है, तो ये सारे क्या हैं ट्रेट्स। यानी कि ये हमारी क्वालिटीज हैं जिसमें हम अच्छे होते हैं, यानी कि क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक को हम ट्रेट्स कहते हैं। अब वेरिएशन इन ह्यूमन बीइंग्स। अब वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन मतलब चेंजेस। अगर हमने ये कहा था कि हेरिडिटी में हमारी क्वालिटीज पास ऑन होती हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो फिर हम अलग क्यों दिखते हैं? बिल्कुल सेम दिखना चाहिए ना। वेरिएशन कैसे आते हैं? तो वेरिएशन अकर्स ड्यू टू सम एरर इन डीएनए कॉपिंग। अब ये क्या होता है? हेरिडिटी इज एविडेंटली सीन इन ह्यूमन बीइंग्स। यानी कि ह्यूमन बीइंग्स में हेरिडिटी दिखी है, यानी कि फीचर्स सेम दिखे हैं हमारे कुछ, पर कुछ चीजें डिफरेंट हो जाती हैं, कुछ चीजें वेरिएट करती हैं, तो वो कैसे होता है? डीएनए कॉपिंग के टाइम पे
कुछ एरर्स आ जाते हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं डीएनए कॉपिंग के टाइम पे। अब डीएनए क्या होता है, हमारे जो गैमेट्स होते हैं, हमारे जो सेक्स सेल्स होते हैं उनको गैमेट्स बोलते हैं हम, तो उनके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। उस डीएनए में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ इस शेप में होते हैं वो, जिनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो उन वो क्रोमोसोम्स जितनी भी हमारी क्वालिटीज होती हैं उनको हमारे अंदर से हमारी नेक्स्ट जनरेशन में वो पास ऑन करते हैं, ठीक है। अब इस कॉपिंग के टाइम पे जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन हमने रिप्रोडक्शन में पढ़ा है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उस टाइम पे जो डीएनए में क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी कॉपिंग होती है। तो उस कॉपिंग के टाइम पे जब कुछ एरर्स आ जाते हैं, कुछ वेरिएशन आ जाते हैं, कुछ अलग हो जाता है, यानी कि जैसे मान लो ये वाले पार्ट में कुछ अलग आ गया, यानी कि ये वाला पार्ट जब कॉपी हो रहा था इस क्रोमोसोम का तो इसमें कोई वेरिएशन आ गया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे एक चेंज आ जाएगा, इसकी कुछ क्वालिटीज में चेंज आ जाएगा। जैसे मान लो ये फेस के लिए हो रहा था, ये क्रोमोसोम फेस के लिए कॉपी हो रहा था कि फेस के क्या फीचर्स होंगे, तो अब इसमें कुछ वेरिएशन आ जाएगा तो फेस में चेंज आएगा। ऑब्वियसली बात है, अगर वेरिएशन आएगा तो फेस तो चेंज होगा ही। तो यही चीज होती है कि अगर डीएनए कॉपिंग के टाइम पे एरर आ जाते हैं तो इसलिए वेरिएशन अकर होता है, ठीक है। इसलिए हम अपने पेरेंट्स से कुछ अलग दिखते हैं, और ज्यादातर डीएनए कॉपिंग के टाइम पे एरर आते ही हैं, ठीक है। अब एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, अब ये वेरिएशन कैसे ट्रेवल करते हैं, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये वेरिएशंस कैसे ट्रेवल करते हैं, कैसे ये पहुंचते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ये जानना बहुत जरूरी है कि सारी ही जनरेशन में अलग अलग वेरिएशंस कैसे आते हैं, है ना। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये वेरिएशन किस तरह आते हैं। द रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसेस वेरिएशन। अब रिप्रोडक्शन के टाइम पे ही मैंने आपको बताया था, डीएनए कॉपिंग के टाइम पे जब हमारे से डीएनए कॉपिंग के टाइम पे जब एरर आता है तो वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। द वेरिएशन प्रोड्यूस्ड इन ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग एक्सेसिव जनरेशन गेट अक्यूमुलेटेड इन द ऑर्गेनिजम्स। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेरिएशंस ऑर्गेनिज्म में आए हैं, जो चेंजेस किसी इंसान में या किसी ऑर्गेनिज्म में आए हैं, बहुत सारी जनरेशन बाद वो ही अक्यूमुलेट होते हैं ऑर्गेनिजम्स में, यानी कि एक्सेसिव जनरेशन यानी कि कई सारी जनरेशन बाद, जैसे मान लो 4-5 जनरेशन बाद अगर कोई वेरिएशन आया है तो वो ही आगे की जनरेशन में भी वो ही आता है चेंज, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे आगे, उससे ये लाइन समझना चाहिए। द सिग्निफिकेंस ऑफ अ वेरिएशन शोज अप ओनली इफ इट कंटिन्यूज टू बी इनहेरिटेड बाय ऑफस्प्रिंग ऑफ सेवरल जनरेशन। अब कोई वेरिएशन भी लंबे समय तक तभी आता है जब उसको कोई ऑफस्प्रिंग क्या होता है, जो नई जनरेशन आती है, जैसे कि पेरेंट जनरेशन है, पेरेंट की जनरेशन के बाद कौन सी जनरेशन आई, ऑफस्प्रिंग क्या होती है, नई चाइल्ड, यंग वंस जो होते हैं हमारे, ठीक है, उन लोग कहते हैं ऑफस्प्रिंग्स। द सिग्निफिकेंस ऑफ अ वेरिएशन शोज अप ओनली इफ इट कंटिन्यूज टू बी इनहेरिटेड बाय द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ सेवरल जनरेशन, यानी कि पेरेंट से नई जनरेशन में अगर हमारे वेरिएशन ट्रेवल करेंगे तब ही वो वेरिएशन शो होगा, वरना कैसे होगा, वरना तो होगा ही नहीं। अगर एक पेरेंट से दूसरे उसके बच्चों में अगर ट्रेवल होगा ही नहीं वेरिएशन, तो ये वेरिएशन आगे ट्रेवल होगा ही नहीं, अगर बच्चों में नहीं आया तो फिर उनके बच्चों में कैसे आएगा, है ना, ये चीज है। अब एग्जाम्पल समझते हैं, इस ऊपर वाला जो भी हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ा, अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल है, सपोज अ बैक्टीरियम प्रोड्यूसेस 2 बैक्टीरिया बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एक बैक्टीरियम है, बैक्टीरियम क्यों लिखा है यहाँ पे, हम तो बैक्टीरिया पढ़ते हैं क्योंकि ये सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है बैक्टीरिया, हम सिर्फ एक बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अ लिखा हुआ है ना, तो एक बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब एक बैक्टीरियम दो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा था, ठीक है, रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा है, पहले भी जूनियर क्लासेस में हमने पढ़ा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, यानी कि खुद के ही गैमेट से ये प्रोड्यूस करता है, है ना, अपने ही पार्ट को कुछ रिमूव करके। बहुत सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तरीके होते हैं हमारे पास, फर्मेंटेशन और बहुत सारे तरीके होते हैं, तो उस तरह से जैसे बैक्टीरिया ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से दो बैक्टीरिया प्रोड्यूस किए, ये मान लो दो बैक्टीरिया प्रोड्यूस किए। ऑल्सो सपोज
दैट वन ऑफ द ऑफ स्प्रिंग ऑफ बैक्टीरियम हैज अ वेरिएशन ड्यू टू विच इट कैन टॉलरेट अ लिटिल मोर हीट देन द अदर वन. अब इसको ध्यान से सुनना. अब क्या हुआ, इसने दो प्रोड्यूस किए, दो बैक्टीरिया प्रोड्यूस किए. मान लो ये वाला बैक्टीरिया है एक फॉर एग्जाम्पल, और एक बैक्टीरिया ये वाला है अपने पास. जस्ट सपोज, ऐसा है नहीं. तो इनमें से जो ये वाला बैक्टीरिया है, इसके साथ क्या हुआ कि इसकी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आए जिसकी वजह से ये ज्यादा गर्मी सहन कर सकता है. अब एक चीज है, बैक्टीरिया गर्मी से, हीट से मरते हैं, ठीक है, हीट से वो मरते हैं. तो क्या हुआ, ये वाला जो बैक्टीरिया है, दोनों बैक्टीरिया ने जो दो बैक्टीरिया प्रोड्यूस किए थे, उनमें से जो एक ये वाला बैक्टीरिया है वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर सकता है. इसके कंपैरिजन में हीट प्रोड्यूस में हीट टॉलरेट कर सकता है इसके कंपैरिजन में, ठीक है. अब ये वाला नहीं कर सकता, तो क्या होगा, अगर मान लो ज्यादा गर्मी पड़ गई किसी सीजन में, तो क्या होगा, ये वाला बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा, ये मर जाएगा, क्योंकि ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, ये टॉलरेट नहीं कर पाएगा, तो इसकी ये नहीं एग्जिस्ट कर सकता, ठीक है. अब ये वाला बैक्टीरिया है, ये हीट रेजिस्टेंट है, हीट वो कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है, इससे ज्यादा हीट टॉलरेट कर सकता है, तो इसके रहने के चांसेस ज्यादा होंगे. अब क्या होगा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से और भी अपने अपने ऑफस्प्रिंग्स बनाएगा. ऑफस्प्रिंग्स यानी कि इसके बच्चे, यानी कि यंग वंस, इसके और भी बैक्टीरियाज बनाएगा कई सारे. तो क्या होगा, अब इसकी जो क्वालिटी है वो इनमें भी इनहेरिट होगी, इनहेरिट यानी कि इनमें भी ट्रांसफर होगी सारी की सारी. इसको क्या कहेंगे हम, अभी हमने शुरुआत में पढ़ा था, इसको क्या कहेंगे हम, हेरिडिटी, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब कुछ क्वालिटीज ट्रांसफर होती हैं तो उसको हम हेरिडिटी कहते हैं, और जो क्वालिटी ट्रांसफर होती है उसको हम ट्रेट कहते हैं, ठीक है. जो क्वालिटी ट्रांसफर होती है उसको हम ट्रेट कहते हैं. अब यहाँ पे ट्रेट क्या है, ट्रेट है हीट रेजिस्टेंट, इट कैन टॉलरेट अ लिटिल मोर हीट देन द अदर वन. इसकी ये वाली ट्रेट है, यानी कि इसकी क्वालिटी है, ट्रेट याद रखना, TRAIT, ठीक है, ये इसकी क्वालिटी है. तो इसके यंग वंस में भी यही क्वालिटी जाएगी, तो फिर ये भी ज्यादा ही हीट रेजिस्टेंट होंगे इसकी तरह, और इस टाइप के जो बैक्टीरियाज हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे. तो इसको कहते हैं हम, इस प्रोसेस को कहते हैं हम नेचुरल सिलेक्शन. इस प्रोसेस को हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि नेचर सिलेक्ट करती है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म अब जिंदा रहेगा और कौन सा ऑर्गेनिज्म वो अब अपने ऊपर से, नेचर अपने ऊपर से रिमूव करेगी. यानी कि इस वाले बैक्टीरिया को तो उसने रिमूव कर दिया, इसको सिलेक्ट नहीं करा, इस वाले को सिलेक्ट करा अपने क्लाइमेट को चेंज करके, ठीक है. तो इसको हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं. नाउ दिस वेरिएशन ऑफ लिटिल मोर हीट रेजिस्टेंस विल कैरी इन फर्दर जनरेशन ऑफ दिस बैक्टीरियम, यानी कि इसकी और जनरेशन में ट्रेवल होगा, यानी कि अब ये वाले एक्सटिंग्विश हो जाएंगे, बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे. द ग्रेट एडवांटेज ऑफ वेरिएशन ऑफ स्पीशीज इज दैट द चांस ऑफ सर्वाइवल इंक्रीजेस. अब एडवांटेज क्या है वेरिएशन का, कि सर्वाइवल के यानी कि जिंदा रहने के चांस बढ़ जाते हैं. अब वेरिएशन कैसे, इसका इस लाइन का मतलब क्या हुआ, द ग्रेट एडवांटेज ऑफ वेरिएशन ऑफ स्पीशीज इज दैट द चांसेस ऑफ सर्वाइवल इंक्रीजेस. इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, कि क्या फायदा है वेरिएशन आने का स्पीशीज में, यानी कि ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशन आने का, चेंजेस आने का क्या फायदा है. अब देखो, अगर ये वाला बैक्टीरिया जो है अपना, जिसमें मैंने ये टिक लगाया हुआ है, ये वाला जो बैक्टीरिया है, अगर इसमें चेंज नहीं आया होता, अगर ये हीट रेजिस्टेंट नहीं हुआ होता, तो ये भी नेचर से रिमूव हो जाता, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस से ये भी रिमूव हो जाता. अब क्या हुआ कि इसमें हीट रेजिस्टेंस का, ज्यादा हीट रेजिस्टेंस की क्वालिटी आ गई, यानी कि ये ज्यादा गर्मी टॉलरेट कर सकता है, ठीक है. तो फिर क्या होगा, ये जिंदा रहेगा, यानी कि इसके सर्वाइवल के चांसेस इंक्रीज हो गए हैं, ठीक है. वेरिएशन ये तो हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे इवोल्यूशन. इवोल्यूशन क्या होता है, यहां पे हमें इमेज दिख रही है, थोड़ा थोड़ा हम समझ सकते हैं इससे. इवोल्यूशन इज द चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्पीशीज ओवर सेवरल ईयर्स एंड रिलाइज ऑन द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, एग्जाम्पल ऑफ रेड एंड ग्रीन बीटल. अब मैं इसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल में समझाऊंगी. देखो, इवोल्यूशन एक ऐसा चेंज होता है जिसमें किसी एक ऑर्गेनिज्म की कुछ क्वालिटीज धीरे धीरे चेंज होती है, कई साल लग जाते हैं उसमें, ओवर सेवरल ईयर्स, यानी कि 100
200, 300, 1000, 2000 कितने भी ईयर्स लग सकते हैं, ठीक है, कितने भी ईयर्स लग सकते हैं किसी चीज को इवोल्यूट होने में, यानी कि इवोल्यूशन होने में कितना भी टाइम लग सकता है, बहुत बहुत ईयर्स लगते हैं ज्यादातर, ठीक है। एंड रिलाइज ऑन द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब मैंने नेचुरल सिलेक्शन बताया था क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन है ना, तो नेचुरल सिलेक्शन अभी हमने पढ़ा था पीछे, किसको बताया था ना, मैंने बैक्टीरिया में बताया था, जिनमें से एक बैक्टीरिया तो हीट को रेजिस्ट कर सकता है, हीट से टॉलरेट, हीट को टॉलरेट कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता, ठीक है। तो पहले वाले को नेचर ने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया और दूसरे वाले को अनसिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इसके इवोल्यूशन के दो पॉइंट है, इवोल्यूशन को समझने के दो पॉइंट है। पहला पॉइंट है हमारा ये कि ये एक ऐसा चेंज होता है इवोल्यूशन जो कई सालों में आता है, यानी कि जो जो भी बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जिनकी क्वालिटीज हैं, जिनकी बॉडी क्वालिटीज या फिर जिनके जो भी हैं, मतलब जो भी क्वालिटीज हैं किसी की बॉडी में, उसको चेंज होने में, उसमें वेरिएशन आने में, वेरिएशन ध्यान देना, वेरिएशन आने में कई साल लग जाते हैं, पहला पॉइंट ये होगा। दूसरा पॉइंट है हमारा एंड रिलाइज ऑन द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और वो ये सब किस प्रोसेस पे चलता है, नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस पे चलता है। वेरिएशन आएगा पर नेचर जिसको सिलेक्ट करेगी वो ही आगे इवोल्यूट होगा, यानी कि वो ही आगे चेंज आएगा उसमें और वो ही जिंदा रहेगा, ठीक है, जिसको नेचर सिलेक्ट करेगी। आप बिना नेचर के सिलेक्ट किए आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे, इधर देखो, एग्जाम्पल ऑफ रेड एंड ग्रीन बीटल। अब इस एग्जाम्पल को समझेंगे हम, रेड एंड ग्रीन बीटल का एग्जाम्पल ये है क्या, ठीक है। तो क्या हुआ, एक बीटल ने दो टाइप की बीटल प्रोड्यूस की, ठीक है, दो बीटल उसने रिप्रोड्यूस की। क्या हुआ, सबसे पहले मैं बीटल के बारे में बताती हूँ क्या हुआ था बीटल्स को, ठीक है। देखो, बीटल जनरली रेड कलर के होते हैं, होते थे उस टाइम पे, ठीक है, उस टाइम पे जनरली बीटल रेड कलर के होते थे। तो क्या हुआ, बीटल लीव्स खाते थे, जो पेड़ पौधों की लीव्स होते थे, तो उन लीव्स को खाते थे। अब लीव्स में क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल क्या होता है, एक ग्रीन कलर का जेली लिक्विड होता है, जिसे हम पिगमेंट भी कह सकते हैं, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से प्लांट्स में कलर आता है, ठीक है, उसकी वजह से प्लांट्स में ग्रीन कलर आता है। क्लोरोफिल और भी कलर का होता है, पर ग्रीन लीफी जो थिंग्स थी वो बीटल खा रहे थे। तो बीटल में क्या हुआ, धीरे धीरे उनकी बॉडी में उस क्लोरोफिल के साथ केमिकल रिएक्शन हुआ। तो क्या हुआ, जब एक बीटल ने दो बीटल्स प्रोड्यूस किए, जब उसने दो, मतलब एक तरह से दो ऑफस्प्रिंग्स हुए उसके, ठीक है, एक बीटल ने दो बीटल्स प्रोड्यूस किए, तो क्या हुआ, एक बीटल तो रेड था और दूसरा था हमारा ग्रीन। अब ये ग्रीन कैसे हो गया, है ना, डीएनए कॉपिंग के टाइम पे चेंज होने पे ऐसे होता है ना, डीएनए कॉपिंग के टाइम पे जब वेरिएशन आता है जीन्स में, कुछ एरर आ जाता है, तभी ये वेरिएशन होता है। तो क्या हुआ, इसकी बॉडी में बहुत सारा, ये जो प्रोड्यूसर था, इसकी बॉडी में क्लोरोफिल का प्रेजेंस बहुत ज्यादा हो गई थी। तो क्या हुआ कि एक बीटल तो रेड कलर का हो गया और एक बीटल ग्रीन कलर का हो गया, ठीक है। फिर आप समझो, अब क्या था, उस टाइम पे ग्रीनरी बहुत थी, ग्रीनरी काफी थी, हमें अभी भी कुछ रीजन जो आइसोलेटेड है, जहां इंसान नहीं जाते, वहां पे अभी भी ग्रीनरी है। तो सोचो, उस टाइम तो इतने मैन हुआ भी नहीं करते थे, इतने ह्यूमन बींग्स हुआ भी नहीं करते थे, तो कितनी ग्रीनरी होगी, ठीक है। तो उस टाइम बहुत ग्रीनरी थी, तो क्या हुआ कि ईगल जो थी, ठीक है, ईगल थी, अब जैसे पेड़ पौधों में रेड वाली बीटल रहेंगे तो वो आसानी से दिखेंगे एज कम्पेयर टू ग्रीन बीटल। इस चीज को समझना, जैसे अब ग्रास है, घास में ग्रास है हमारे पास, ठीक है, उसमें रेड बीटल ज्यादा आसानी से दिखेंगे एज कम्पेयर टू ग्रीन बीटल, ठीक है। ग्रीन और ग्रास और भी ग्रीन है, बीटल भी ग्रीन है, तो उसको थोड़ा पहचान में कन्फ्यूजन होगी, और रेड बीटल आसानी से दिख जाएंगे क्योंकि ब्राइट रेड कलर के होते थे। तो क्या हुआ, धीरे धीरे ईगल ने क्या किया, रेड वाली बीटल्स को खा लिया, धीरे धीरे ईगल ने रेड बीटल को खत्म कर दिया बिल्कुल, मतलब धीरे धीरे से खाने लग गए रेड बीटल्स को ये ईगल, और फिर रेड बीटल एक टाइम पे जाके कुछ सालों बाद खत्म हो गया बिल्कुल, ठीक है। तो क्या हुआ, नेचर ने सिलेक्ट करा किसको, ग्रीन बीटल को। किसने सिलेक्ट करा, नेचर, किसको सिलेक्ट करना, नेचर ने ग्रीन बीटल को, कैसे, क्योंकि ईगल ने सारे रेड बीटल्स खा लिए थे, क्योंकि ग्रास पे यानी ग्रीनरी में
रेड बीटल्स ज्यादा आसानी से दिखेंगे एज कम्पेयर टू ग्रीन बीटल्स. ठीक है, तो ये था इवोल्यूशन. अब पढ़ेंगे हम जीन्स. अब हमारे स्टार्टिंग में डेफिनेशन थी, स्टार्टिंग में हमारे पास डेफिनेशन थी जीन्स की, जेनेटिक्स की. ठीक है, जेनेटिक्स को हमने एक्सप्लेन किया था उसमें, तो उसमें ये टर्म भी आई थी कि जीन. ठीक है, ये ग्रीक टर्म है जीन. तो ये जीन्स होते क्या है? जीन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी. अब हमने हेरिडिटी पढ़ा था स्टार्टिंग में, क्या होता है जब पेरेंट्स से उनके ऑफ स्प्रिंग यानी कि उनके आगे की जनरेशन यानी कि उनके बच्चे ऑफ में जब कोई कैरेक्टरिस्टिक या कोई ट्रेट कोई क्वालिटी उनमें ट्रांसफर होती है उसको हम हेरिडिटी कहते हैं. ठीक है, तो अब हेरिडिटी क्या है? एक यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है. किसकी है हेरिडिटी? क्या है? एक फंक्शनल यूनिट, सॉरी जीन है एक फंक्शनल यूनिट हेरिडिटी की. उल्टा बोला था मैंने, जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी. यानी कि विदाउट जीन्स हेरिडिटी पॉसिबल ही नहीं होती है. एवरी जीन कंट्रोल्स वन और सेवरल पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल फॉर्म ऑफ डीएनए विच कैरीज द जीन्स. अ यूनिट ऑफ डीएनए ऑन अ क्रोमोसोम विच गवर्न्स द सिंथेसाइज ऑफ वन प्रोटीन दैट कंट्रोल्स अ स्पेसिफिक ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक्स. अब इन तीनों लाइन्स का क्या मतलब हुआ? देखो, सबसे पहले मैं जीन समझाऊंगी क्या होते हैं. हेरिडिटी पॉसिबल नहीं होगी जीन के बिना. अगर जीन्स नहीं होंगे तो हेरिडिटी भी पॉसिबल नहीं होगी. अब ये जीन्स ट्रैवल कैसे करते हैं? देखो, मैंने बताया था स्टार्टिंग में जो हमारे गैमेट्स होते हैं, हमारे सेक्स सेल्स जो होते हैं, गैमेट्स जो होते हैं. ठीक है, गैमेट्स, मैं जी लिख रही हूँ गैमेट्स को. हमारे जो सेक्स सेल्स होते हैं उन सेक्स सेल्स में जब दो सेक्स सेल्स कंबाइन करते हैं तो उन सेल्स में, उन सेल के न्यूक्लियस में, देखो न्यूक्लियस ऑफ सेल, देखो एक मेल सेक्स सेल और एक फीमेल सेक्स सेल को मिला के जायगॉट बनता है अपना. हमने पढ़ा था जायगॉट बनता है, इन दोनों को मिला के जायगॉट बनता है, जायगॉट. ठीक है, जायगॉट बनता है इनको मिला के. ठीक है, मेल और फीमेल सेक्स सेल्स मिलके क्या बनते हैं? जायगॉट बनाते हैं. अब उस जायगॉट, वो क्या होता है, इन दोनों के सेल्स को कंबाइन करके एक नया सेल बनता है. यानी कि फीमेल सेल और सॉरी मेल सेल और फीमेल सेल को मिला के एक नया सेल बनता है जायगॉट, जिसका न्यूक्लियस, अब सेल के अंदर एक सेंटर में एक पार्ट होता है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं ये पार्ट. तो इस न्यूक्लियस में, इस जायगॉट के इस न्यूक्लियस में क्या होता है हमारे पास? डीएनए होता है. अब हमने डीएनए सुना है, पढ़ा भी हुआ पहले, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. ये होता है इसकी फुल फॉर्म. डीएनए की बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. तो ये डीएनए इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए, इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है. ठीक है, विच कैरीज द जीन्स. अब इस डीएनए में क्या होते हैं? जीन्स. इस डीएनए में क्या होते हैं? जीन्स, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं. तो ये डीएनए में जीन्स कैरी होते हैं. अ यूनिट ऑफ डीएनए ऑन क्रोमोसोम्स विच गवर्न्स द सिंथेसाइज ऑफ वन प्रोटीन दैट कंट्रोल द स्पेसिफिक कास्ट ऑफ. अब देखो यहाँ पे एक चीज बनी हुई है ये. अब दोनों मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म में से, मेल और फीमेल से क्या गया? जायगॉट बना. ठीक है, ये सेल जायगॉट बन गया. अब इस सेल में क्या है हमारे पास? डीएनए है. इसमें डीएनए है. इस डीएनए में क्या है? क्रोमोसोम्स है. ये पूरी एक यूनिट है, आप इसको चाहो तो नोट कर लो, बहुत इजीली समझ में आने वाली चीज हो जाएगी. फिर ये ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन से, रिप्रोडक्शन से क्या बना हमारा? जायगॉट बना. फीमेल और मेल के रिप्रोडक्शन से जायगॉट बना. जायगॉट क्या है? एक सेल है. उस सेल के न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस ध्यान देना, न्यूक्लियस में डीएनए होता है. उस डीएनए में होते हैं क्रोमोसोम्स और उन क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं? जीन्स. और जिस तरह से ये बने हुए हैं ना, उसी तरह से ये इनका स्ट्रक्चर होता है. ये सेल है, ये वाला सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, और ये जो बने हुए हैं ये
एक्स शेप में, ये क्या है क्रोमोसोम्स की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल धागे की तरह होता है इनका स्ट्रक्चर, इस तरह से होता है, मैंने स्टार्टिंग में बनाया भी था। क्रोमोसोम्स ये होते हैं और इन क्रोमोसोम्स में बहुत ही स्मॉल बहुत ही सारे स्मॉल क्या होते हैं जीन्स। अब स्पायरल स्ट्रक्चर होता है इसका, इस तरह से होता है जीन्स का स्ट्रक्चर, और इनमें भी ऐसे लाइंस बनी हुई रहती हैं, इस तरह से लाइंस बनी हुई रहती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, इधर देख सकते हो, यहाँ पे जीन्स में भी स्पायरल लाइंस बनी रहती हैं। तो क्या होता है, जीन्स में वो सारे कैरेक्टर होते हैं जो एक माता पिता से अब उनके ऑफस्प्रिंग्स में जाते हैं, उनके बच्चों में जाते हैं, ठीक है। जितने भी उनके कैरेक्टर्स होते हैं, आईज नोज कैसे दिखेंगी या फिर कैसे उनकी बोलने का तरीका होगा, जो भी है, मतलब स्पीच आवाज़ कैसी होगी, ये सारे जो होती हैं क्वालिटीज वो जीन्स के थ्रू एक बच्चे में जाती है, ठीक है। इसलिए इसको कहा है कि इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यानी कि एक पार्ट है जिसकी वजह से हेरिडिटी पॉसिबल है, ठीक है। अब दो तरह के जीन्स होते हैं, जीन्स भी दो तरह के होते हैं। जीन्स फॉर कंट्रोलिंग सेम कैरेक्टरिस्टिक कैन बी ऑफ टू टाइप्स के होते हैं ये, ठीक है। टू टाइप्स के होते हैं, डोमिनेंट जीन्स और रिसेसिव जीन्स। अब डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड मैंने खुद से यूज नहीं किए हैं, हमें इस चैप्टर में थोड़ी इसी तरह की कॉम्प्लिकेटेड टर्म आएंगी, मतलब बहुत डिफिकल्ट कह सकते हो उसको थोड़ा सा, यानी कि नई तरह की हमारे पास वर्ड्स आएंगे, ठीक है। डोमिनेंट रिसेसिव, अब ये क्या होता है, डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन, द जीन विच डिसाइड्स द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑल्टरनेटिव जीन। अब इसका मतलब क्या होता है, एक जीन जो अपनी अपीयरेंस डिसाइड करता है भले ही कोई और जीन हो। अब मान लो, जैसे अब इस चीज को समझना, मदर है फादर है, अब हम बात कर रहे हैं कि बच्चे की हाइट क्या होगी। अब मदर की हाइट है स्मॉल, तो मैं उसको स्मॉल टी से लिखूंगी, फादर की हाइट है टॉल, तो मैं उसको कैपिटल टी से लिखूंगी, ठीक है। क्या मेल फीमेल है ये, मदर फादर नहीं है, इसको ध्यान देना, ये मैंने एम तो लिखा है, ये चलो इसको अभी कैंसिल करते हैं, चलो अब करते हैं फादर, एफ फादर कर देते हैं हम, एफ फादर, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता ना मेल फीमेल, एफ फादर और एम मदर, ठीक है। अब फादर की हाइट क्या है, टॉल, तो मैंने कैपिटल टी लिख दिया, मदर की हाइट क्या है स्मॉल, तो मैंने स्मॉल टी लिख दिया, ठीक है। अब हमें ये रिकॉग्नाइज करना है कि किसकी सॉरी बच्चे की हाइट, जो इनका ऑफस्प्रिंग होगा यानी कि इनका जो चाइल्ड होगा उसकी हाइट कैसी होगी, कौन सा जीन जाएगा, फादर का जीन जाएगा या मदर का जीन जाएगा, तो ये कैसे डिसाइड होता है। अब देखो, जो जो जीन जो जैसे जो बड़ा जीन है, यानी कि जो साइज वाइज कह लो या फिर आप कोई किसी भी अकॉर्डिंग बोल लो, जैसे कि अब फादर की हाइट है वो टॉल है, मदर की हाइट शॉर्ट है, ठीक है, फादर की हाइट टॉल है, मदर की हाइट स्मॉल है, तो जो रिसेसिव डोमिनेंट जीन होगा वो कौन सा होगा, बड़ा वाला। इस चीज को समझना, डोमिनेंट जीन क्या होता है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जैसे फादर की हाइट टॉल है, मदर की हाइट स्मॉल है, तो डोमिनेंट जीन कौन सा होगा इन दोनों में से, यानी कि बच्चे में कौन सी हाइट जाएगी, किसकी हाइट जाएगी, वो होगा फादर का, ठीक है। फादर का जीन डोमिनेंट होगा, क्यों, क्योंकि ये एक तरह से आप मान लो ये इससे ज्यादा पावरफुल है, आप इससे कह सकते हो इससे ज्यादा पावरफुल है ये जीन, ठीक है, यानी कि ये जीन जो है ये, क्योंकि ये स्मॉल, मैंने कैपिटल टी लिखा है यहाँ पे, स्मॉल टी लिखा है, यानी कि इससे ज्यादा पावरफुल है, एक तरह से आप इसको समझने के लिए बोल सकते हो कि फादर की हाइट ज्यादा है और मदर की हाइट कम है, तो जो ज्यादा वाला जीन होगा, यानी जो ज्यादा फेवरेबल है, जो ज्यादा सही है, हम बड़ी हाइट ही प्रेफर करते हैं कि बच्चे की हाइट बड़ी हो, है ना, तो फेवरेबल जीन कौन सा होगा, फादर वाला, तो डोमिनेंट कौन सा हो गया, फादर का जीन। अब द जीन विच डिसाइड्स द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, अब मतलब एक जीन जो किसी ऑर्गेनिज्म की कैसा दिखेगा वो डिसाइड करता है, भले ही कोई और जीन प्रेजेंट हो। अब देखो, फादर का जीन प्रेजेंट था, मदर का जीन प्रेजेंट था, पर बच्चे में कौन सा जीन आया, फादर का जीन, यानी कि बच्चे की हाइट भी क्या है, कैपिटल टी, यानी कि मान लो सन है, सन की भी हाइट क्या है, कैपिटल टी, तो फादर से सन में गया, फादर का जीन गया, यानी कि फादर का जीन क्या है, डोमिनेंट, और मदर का जीन क्या है, रिसेसिव। अब डोमिनेंट रिसेसिव समझ में आने लग गया होगा थोड़ा थोड़ा। डोमिनेंट जीन वो है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास जाता है, भले ही कोई और जीन प्रेजेंट हो, जैसे कि मदर का जीन प्रेजेंट था,
रिसेसिव जीन वो होता है, भले ही कोई और जीन प्रेजेंट हो पर अपनी वो प्रेजेंस नहीं दिखाएगा, ठीक है, वो दूसरे जीन को अपनी प्रेजेंस दिखाने देगा, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा कि रिसेसिव जीन और डोमिनेंट जीन में क्या डिफरेंस है। डोमिनेंट जीन वो है जो दूसरे जीन की प्रेजेंस होने के बाद भी खुद की प्रेजेंस दिखाता है, जैसे कि फादर के जीन ने दिखाया, ठीक है। फादर का जीन था कैपिटल टी क्या है, टॉलनेस, और स्मॉल टी क्या है, शॉर्टनेस। तो इनके कॉम्बिनेशन से क्या हुआ फिर, कैपिटल टी। इनका जब क्रॉस हुआ, इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस। इनका जब क्रॉस हुआ ना, कैपिटल टी स्मॉल टी का जब क्रॉस हुआ तो कैपिटल टी आया, यानी कि कैपिटल टी क्या है, हमारा डोमिनेंट। यानी कि हमेशा याद रखना, अब हम आगे जो भी पढ़ने वाले हैं उसमें जो भी कैपिटल वाली चीजें होंगी, जो भी हम कैपिटल में लिखेंगे वो हमेशा डोमिनेंट होंगी, और जो हम स्मॉल में लिखेंगे वो हमेशा रिसेसिव होंगी। इस चीज को ध्यान से सुनना, जो भी हम कैपिटल में लिखेंगे आगे वो हमारी डोमिनेंट होंगी, और जो रिसेसिव होंगी उनको हम स्मॉल में लिखेंगे, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकती है, हाइट भी हो सकती है, कलर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। द डोमिनेंट जीन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर एंड द रिसेसिव जीन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर। ये चीज मैंने अभी बताई है कि डोमिनेंट कैपिटल, रिसेसिव स्मॉल। एग्जाम्पल है, इन पी प्लांट्स द डोमिनेंट जीन फॉर टॉलनेस इज टी एंड द रिसेसिव जीन फॉर स्मॉलनेस और ड्वार्फनेस इज टी। अब स्मॉलनेस और ड्वार्फनेस लिखा है, ड्वार्फ बोलते हैं हम इसको, ड्वार्फ का मतलब छोटा या फिर स्मॉल। तो आगे अगर मैं ड्वार्फ यूज करूंगी तो समझना उसका मतलब क्या है, स्मॉल, ठीक है। टॉलनेस के लिए टी यूज हुआ कैपिटल वाला, और स्मॉल के लिए स्मॉल टी, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज। अब नेक्स्ट कुछ की टर्म्स है अपने पास में अभी, ठीक है। क्या क्या की टर्म्स है देखो, इनको ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना, बहुत ही इजीली समझ में आएंगी ये, ठीक है। मैंने बहुत ही सिलेक्टेड की टर्म्स लिखे हैं, वरना बहुत ही सारे इसमें की टर्म्स होते हैं जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है याद रहने में, ठीक है। तो सबसे पहले है अलीलोमॉर्फ बोलेंगे इसको हम, ठीक है। अलीलोमॉर्फ और अलील। तो ये क्या होता है अलील, दीज आर द टू फॉर्म्स ऑफ जीन्स विच कंट्रोल द कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बींग्स। फॉर एग्जाम्पल, द टू अलील कंट्रोलिंग हाइट ऑफ अ प्लांट आर टी टॉलनेस एंड स्मॉल टी ड्वार्फिज्म। इसका मतलब क्या हुआ, अभी जो हमने पीछे दो टाइप के जीन्स पढ़े हैं, एक तो क्या था, डोमिनेंट था, एक था रिसेसिव। तो वो इन दोनों जीन्स को मिला के हम क्या बोलेंगे, अलीलोमॉर्फ या फिर अलील, क्या बोलेंगे, अलीलोमॉर्फ या अलील, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि दो जीन्स हैं, एक टॉलनेस का है वो क्या है, डोमिनेंट, और स्मॉल टी वाला क्या है, रिसेसिव, कैपिटल टी डोमिनेंट, स्मॉल टी रिसेसिव। तो दो तरह के जीन्स को हम क्या बोलते हैं, उन दो तरह के जीन्स को हम क्या बोलते हैं, अलील या फिर अलीलोमॉर्फ। अलील ज्यादा बेटर है याद करने के लिए, स्मॉल भी है और इजी भी, अलील बोलते हैं उसको, ठीक है। अब है सेकंड, हमारा फर्स्ट हो गया। अब सेकंड वाला है होमोजाइगस। इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन टू अलील्स कंट्रोलिंग अ कैरेक्टर इज सेम, व्हेन टू अलील्स कंट्रोलिंग अ कैरेक्टर इज सेम। यानी कि आप दोनों जीन्स सेम है, मदर का जीन्स भी सेम है, फादर का जीन भी सेम है। एग्जाम्पल देखो, कैपिटल टी दोनों ही टॉल है, दोनों ही शॉर्ट है, दोनों ही टॉल है यहां, दोनों ही शॉर्ट है, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। होमो में क्या होगा, दोनों ही अलील सेम होंगे, यानी कि दोनों ही जीन्स सेम होंगे, ठीक है, टॉल होंगे दोनों ही, मदर भी टॉल है, फादर भी टॉल है। एक और एग्जाम्पल, फादर भी शॉर्ट है, मदर भी शॉर्ट है, ठीक है, दोनों के जीन्स सेम है, तो क्या होगा, होमो, और हेट्रो में इसका अपोजिट होगा, दोनों के जीन्स अपोजिट होंगे। जीन्स अपोजिट मतलब कि एक टॉलनेस का, एक शॉर्टनेस का। तो होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट, ठीक है।
होमो इधर सेम, इस तरह से आप कर लो, होमो मतलब सेम जीन्स और हेट्रो मतलब डिफरेंट जीन्स। ठीक है, ये डिफरेंट जीन्स है ना सर, यहां तक समझ में आया होगा। इसके बाद अब हेट्रो होमोजाइगस हो गया, हेट्रोजाइगस। अब फिनोटाइप, फिनोटाइप क्या है? फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फिनोटाइप यानी कि फिजिकल, फिनो मतलब फिजिकल टाइप, फिनो मतलब फिजिकल और टाइप मतलब किस तरह की फिजिकल अपीयरेंस है उस ऑर्गेनिज्म की। यानी कि मान लो कोई फैट है, कोई थिन है, ठीक है, तो ये क्या होगा इसकी फिजिकल अपीयरेंस। कोई फेयर है, कोई डार्क है, तो यानी कि वो दिखता कैसा है। ठीक है, कोई फैट है, कोई थिन है, कोई फेयर है, कोई डार्क है, ये सारी क्या हो गई। कोई शॉर्ट है, कोई टॉल है, तो ये क्या हो गया फिनोटाइप। क्या हो गई ये फिनोटाइप, फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि वो इंसान किस तरह का दिखता है, टॉल शॉर्ट या फिर जो भी है हमने अभी बोला, जैसे कि डार्क फेयर है ना। अब आता है नेक्स्ट है हमारा जीनोटाइप, यानी कि उस जीन्स किस टाइप के, यानी कि टॉल वाले हैं, शॉर्ट वाले हैं है ना, या फिर फेयर वाले हैं, फेयर को मैं कैपिटल एफ लिख रही हूँ और डार्क को मैं स्मॉल एफ लिख रही हूँ। ठीक है, यानी कि हम दो अलग अलग लेटर्स यूज नहीं करते, एक को ही बड़ा और छोटा करके लिखते हैं। तो ये हो गया जीनोटाइप, यानी कि किस टाइप की जीन्स है, टॉल है, शॉर्ट जीन्स है, किस तरह के जीन्स है, होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है। ठीक है, ये सब जीनोटाइप में आ जाता है। पेरेंटल जनरेशन पे आते हैं हम। पेरेंटल जनरेशन बहुत ईजी, जनरेशन ऑफ पेरेंट्स, यानी कि पेरेंट्स की जनरेशन होकर कहेंगे हम पेरेंटल जनरेशन। ठीक है, उसके बाद आती है F1 जनरेशन। अब एक चीज ध्यान दो, पेरेंटल जनरेशन के बाद में आएगी F1 जनरेशन, F1 जनरेशन के बाद में आएगी F2 जनरेशन, और इसी तरह से हमारे और भी होते हैं। ठीक है, पेरेंटल जनरेशन, उसके बाद F1 जनरेशन, उसके बाद F2 जनरेशन। यानी कि F1 जनरेशन का मतलब क्या है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, यानी कि पेरेंटल जनरेशन, यानी कि पेरेंट्स की के बाद की पहली जनरेशन, पेरेंट्स के बाद की पहली जनरेशन। जैसे आप अपने पेरेंट्स की बात की पहली जनरेशन हो, तो आप क्या हो, F1 जनरेशन हो। अब उसके बाद जब की जो जनरेशन आएगी, हमारे बाद जो जनरेशन आएगी वो क्या होगी, F2 जनरेशन, यानी कि सेकेंड फिलियल जनरेशन, सेकेंड जनरेशन ऑब्टेन्ड बाय क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन क्या है, फर्स्ट जनरेशन ऑब्टेन्ड बाय क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स, जब पेरेंट्स के बीच में क्रॉस हुआ है ना रिप्रोडक्शन के थ्रू, फर्स्ट जनरेशन आई F1 जनरेशन, F1 जनरेशन का जब क्रॉस हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, तब आई F2 जनरेशन। तो ये सारे हमारे की टर्म्स हैं। ठीक है, अलील, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, फिनोटाइप, जीनोटाइप, पेरेंटल जनरेशन, F1 जनरेशन जो कि होती है फर्स्ट फिलियल जनरेशन, F2 जनरेशन यानी कि फर्स्ट फिलियल, सेकेंड फिलियल जनरेशन। ठीक है, अब आएंगे मेंडलिज्म पे। ठीक है, मेंडलिज्म क्या है, इसको मेंडलिज्म क्यों बोलते हैं। एक साइंटिस्ट थे ग्रेगोर मेंडल। ठीक है, ग्रेगोर मेंडल एक साइंटिस्ट थे, ग्रेगोर जोनान मेंडल, इनका पूरा नाम है ग्रेगोर जोनान मेंडल, ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। हम अभी जेनेटिक्स ही पढ़ रहे हैं तो इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ये एक ऑस्ट्रियन मॉन्क है हु पोस्टुलेटेड द लॉज ऑफ हेरिडिटी, जिन्होंने हेरिडिटी के लॉज बनाए थे इन प्लांट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार किसी इंसान ने लॉज ऑफ हेरिडिटी इन प्लांट्स पहली बार किसी इंसान ने बनाए थे, यानी कि हेरिडिटी प्लांट्स में। अभी हमने ह्यूमन बींग्स एनिमल्स में तो पढ़ी, पर प्लांट्स में पहली बार हेरिडिटी, लॉज ऑफ हेरिडिटी किसने बनाया था, ग्रेगोर जॉन जोनान मेंडल, या फिर इसको हम ग्रेगोर मेंडल भी बोल सकते हैं या फिर सिर्फ मेंडल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ही परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन गार्डन पी, उन्होंने क्रॉस करवाया, हाइब्रिडाइजेशन मतलब दो अलग अलग प्लांट्स के बीच में क्रॉस करवाया, यानी कि रिप्रोडक्शन करवाया। अब प्लांट्स में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट्स में कौन सा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ह्यूमन बींग्स में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है,
तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि ही परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन गार्डन पी. अब पीस होती है अपनी जो, उसको हम यहाँ पे पी बोल रहे हैं, तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है. ये गार्डन में भी उगाई जा सकती है, जो पीस होती है उसको एक सिंगल पी को पी बोल रहे हैं. अब पीस जो मटर जिसको कहते हैं हम, उसका जो साइंटिफिक नाम है वो क्या है, पाइसम सेटिवम. बहुत इंपॉर्टेंट है पाइसम सेटिवम, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये पाइसम सेटिवम. तो ही परफॉर्म एक्सपेरिमेंट इस पी पे, पी प्लांट पे उन्होंने 7 साल तक अपने चर्च के गार्डन में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया. तो ये एक वो थे जैसे हम चर्च में प्रीस्ट होते हैं, जो पुजारी कह सकते हैं एक तरह से, तो ये प्रीस्ट थे, एक मॉन्क थे जिन्होंने अपने चर्च के गार्डन में 7 साल तक पाइसम सेटिवम यानी कि गार्डन पी पे क्रॉस करवा के एक्सपेरिमेंट करे थे. 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने. बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी परफॉर्म बाय मेंडल, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस वर गिवन, विच इज ऑल्सो नोन एज मेंडलिज्म. अब देखो इस एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड, जो गार्डन पी एक्सपेरिमेंट उन्होंने 7 साल तक किया था उस पे बेस्ड उन्होंने बनाए हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, अब लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के भी 3 पार्ट हैं, ठीक है. इन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बनाया जिसको हम मेंडलिज्म भी बोलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इस टॉपिक का नाम था मेंडलिज्म, ठीक है. इसको हम लॉ ऑफ मेंडलिज्म भी, सॉरी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं, या फिर हम इसको मेंडलिज्म भी बोल सकते हैं, ठीक है. और एक इस पे था गार्डन पी पे किया था इन्होंने एक्सपेरिमेंट, जिसको हम पाइसम सेटिवम भी कहते हैं. ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं. लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन्होंने बनाया था. हु मेड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल, ग्रिगोर जोनान मेंडल. और गार्डन पी को क्या कहते हैं हम, पाइसम सेटिवम, ठीक है. और इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं. अंडरस्टूड? व्हाई गार्डन पी? अब इन्होंने गार्डन पी ही क्यों चूज की, पी प्लांट की ही क्यों चूज किया इन्होंने, व्हाई गार्डन पी प्लांट? मेंडल चोज पी प्लांट फॉर स्टडिंग इनहेरिटेंस बिकॉज पी प्लांट हैड अ नंबर ऑफ क्लियर कट डिफरेंसेस विच वर इजी टू टेल अपार्ट. अब मेंडल ने पी प्लांट इसलिए चूज किया इनहेरिटेंस पढ़ने के लिए. इनहेरिटेंस पहले मैं समझाती हूँ इनहेरिटेंस क्या होता है. जो भी हम अपनी हैबिट्स वगैरह अपने पेरेंट्स से लेते हैं, जो भी चीजें हैं हम ग्रांट करते हैं अपने पेरेंट्स से, उनको क्या करते हैं, हम इनहेरिट करते हैं. जो भी हम उनसे लेते हैं उसको लेना क्या हुआ, इनहेरिट करना. अब पी प्लांट में एक प्लांट से उसकी नेक्स्ट प्लांट जनरेशन में कैसे इनहेरिटेंस हुआ, यानी कि एक प्लांट ने दूसरे प्लांट को कैसे अपनी क्वालिटीज दी, तो उसको इनहेरिटेंस ऑफ पी प्लांट कहेंगे, ठीक है. तो मेंडल ने सिर्फ पी प्लांट इसलिए चूज किया क्योंकि पी प्लांट में बहुत ही क्लियरली डिफरेंसेस दिख जाते थे. अब यहाँ पे देखो, एक तो बनी है राउंड येलो पी सीड्स, यानी कि एकदम गोल है ये, इनमें कोई भी वो नहीं है, बिल्कुल सिकुड़े हुए नहीं है, ये सिकुड़े हुए नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल राउंड है और येलो है. अब दूसरी ही साइड यहाँ पे एकदम सिकुड़े हुए यानी रिंकल्ड ग्रीन पी सीड्स है, ग्रीन पी सीड्स है, इधर येलो है, इधर राउंड है, इधर रिंकल्ड है. रिंकल्ड मतलब सिकुड़े हुए, यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे ये बिल्कुल ही रिंकल्ड हो रखे हैं, ठीक है. अब देखो बिल्कुल ही क्लियर डिफरेंसेस है, बिल्कुल क्लियर डिफरेंस दिख रहे हैं दोनों में, कलर डिफरेंट है, दोनों की शेप डिफरेंट है, तो इसलिए पी प्लांट मेंडल ने चूज किया. फॉर एग्जाम्पल सम पी प्लांट वर टॉल, कुछ पी प्लांट टॉल होते थे, देखो जैसे ये वाला टॉल है यहां से, ठीक है. सम वेर एज सम वर ड्वार्फ, जैसे ये इतना सही है. अब कुछ पी प्लांट टॉल होते थे, कुछ स्मॉल होते थे, ठीक है. कुछ राउंड होते थे, कुछ रिंकल्ड होते थे, कुछ येलो होते थे, कुछ ग्रीन होते थे. तो ये सारे क्या हो गए, पी प्लांट पे डिफरेंस. अब नए आगे हम जितना भी जो भी पढ़ने वाले हैं, हम वो मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट था उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है. तो ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या क्या डिफरेंसेस थे उनमें. एक तो कोई टॉल था, कोई शॉर्ट था, पहला डिफरेंस, कोई टॉल कोई शॉर्ट, यानी कि टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी. सेकेंड डिफरेंस था कलर का, सेकेंड डिफरेंस था कलर का, एक येलो था एक ग्रीन. थर्ड डिफरेंस है एक रिंकल था एक राउंड, यानी कि शेप का डिफरेंस है,
शेप का डिफरेंस है, ठीक है, इसमें कलर का डिफरेंस है, कलर का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये इसीलिए उन्होंने पी प्लांट चूज किया था, क्योंकि इनमें क्लियर कट डिफरेंसेस होते हैं, यानी कि बहुत डिफरेंसेस ऐसे होते हैं जिनको हम इजीली देख सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो कि ग्रिगोर मेंडल ने दिए थे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।